नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। इस वक्त की एक बहुत ही दुखद खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच में नहीं रही। अचानक ही आज उनको दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका निधन हो गया है। तो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा शोक का विषय, बहुत बड़ा दुख का विषय कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच में नहीं रही। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच में नहीं रही, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। तो इस वक्त बहुत बड़ी दुख की बात है कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हमेशा ही ज़मीन से जुड़ी हुई नेता मानी जाती रहीं और प्रदेश की एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान रही। कोरोना काल में भी वो लगातार लोगों के बीच रही, लोगों के भलाई का काम करते रही, लोगों के लिए काम करते रही, जिसके चलते डॉक्टर इंदिरा हृदयेश कोरोना पॉजिटिव भी हो गई थी। इसके बाद उनका इलाज हुआ और वो कोरोना से जंग जीत कर वापस आई और फिर लोगों के बीच में उनके काम में लगी रहीं। लेकिन आज की जो सबसे दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में पूरा जे न्यूज़ डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के परिवार के साथ खड़ा है और उनको श्रद्धांजलि देता है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को जे न्यूज़ की तरफ से हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।